बैक टू माई चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज के वीडियो में एक फेस वॉश के बारे में बताने वाली हूँ। और फेस वॉश जैसे कि सबको पता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, स्किन केयर का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप फेस वॉश ही है, क्योंकि अगर आपकी स्किन पे गंदगी वगैरह लगी रहेगी तो कभी आपकी स्किन क्लियर नहीं हो सकती है। तो एक अच्छा फेस वॉश यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में जिस फेस वॉश के बारे में बताने वाली हूँ वो है अराता का फेस वॉश, जो कि मैचा ग्रीन टी और रोज़ वाटर, विच हेज़ल, एलोवेरा जैसे अच्छी अच्छी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इनकी एक और ख़ास बात ये है कि इनके प्रोडक्ट्स वीगन हैं, नेचुरल हैं और क्रूअल्टी फ्री हैं, टॉक्सिन फ्री हैं, हार्मफुल केमिकल वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है, पैराबेन फ्री है। तो ये इनकी खासियत है। तो मैं फेस सीरम यूज़ कर चुकी हूँ, विटामिन सी फेस सीरम, उसका रिव्यू आप ज़रूर चेक करना अगर आप विटामिन सी सीरम के बारे में जानना चाहते हो। कोई अच्छा सा देख रहे हो तो वो उसका रिव्यू ज़रूर चेक करना। और आज के वीडियो में बात करेंगे अराता नेचुरल प्यूरीफाइंग फेस वॉश। तो आगे बात करेंगे कि मुझे ये फेस वॉश पसंद आया या नहीं, आपको लेना चाहिए या नहीं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये बातें मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है और जो कि स्किन को सूदिंग बनाता है और रिजुविनेट करने का काम करता है। डेली क्लेंजिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सारे नेचुरल चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं, ग्रीन टी यूज़ की गई है जो कि बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, स्किन को सूदिंग बनाता है। और इसमें एलोवेरा, विच हेज़ल, ओट मील जैसी चीज़ें यूज़ की गई हैं जो कि स्किन को रेडियंट ग्लो प्रोवाइड करती हैं। टेक्सचर की बात करूँ तो ये ऐसा क्रीमी, दिखने में क्रीमी है पर एक्चुअल में ये जेल कंसिस्टेंसी है इसकी, और फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है, आपको यूज़ करने में काफ़ी अच्छा लगेगा। इंग्रेडिएंट की लिस्ट मैं दे दूंगी, आप देख सकते हो और इनकी साइट पर जाकर ज़रूर चेक करना, वहाँ से भी आप इसके सारे इंग्रेडिएंट को चेक कर सकते हो। तो अब बात करते हैं ये फेस वॉश यूज़ कैसे करना है। तो आप दिन में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं इस फेस वॉश को, क्योंकि अभी विंटर आ गई है तो आप बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करना चाहिए फेस को, नहीं तो ड्राइनेस बढ़ने लगती है। विंटर में ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो मैं कहूँगी कि बस 2 बार वॉश करो दिन में, रात में सफिशिएंट है। और जब आप इससे फेस वॉश करेंगे, ड्राई स्किन है तो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगी, और ऑयली स्किन है तो ऑयल रिमूव होगा पर ड्राइनेस नहीं रहेगी। ये बहुत अच्छे से बैलेंस करके चलता है, ये इसकी सबसे ज़्यादा खास बात है। बात रही एक्ने प्रोन स्किन की, तो बिल्कुल आप एक्ने प्रोन स्किन है जैसे मैं भी यूज़ कर रही हूँ इसको, तो एक्ने प्रोन स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई हार्म नहीं है। कुछ दिनों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है स्किन को जो मुझे चाहिए, क्लीन अच्छे से कर दे, ड्राइनेस ना बढ़ाए, क्योंकि ठंड आ गई है तो ड्राइनेस नहीं बढ़ाना चाहिए, तो ये ड्राइनेस नहीं बढ़ाता है और पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है। तो फेस वॉश है, मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा है, डिसेंट काम करता है। अगर आप नई नई चीज़ें ट्राई करना पसंद करते हो तो बिल्कुल इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इसके जैसा फेस वॉश मैंने कभी नहीं देखा, इसके जैसे इंग्रेडिएंट्स नहीं देखे, बहुत सारे ऐसे आपको फेस वॉशेज मिल जाएंगे जो ऐसे ही काम करते हैं। और मुझे इसकी एक चीज़ जो अच्छी नहीं लगी वो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, मतलब इसका प्राइस 150 ml जो पैक है वो 675 rupees का है। डिस्काउंट भी अगर आपको मिल जाएगा तो 500 तो आपको पे करना ही पड़ेगा, जो कि मुझे काफ़ी कॉस्टली लगा, क्योंकि अंडर 100-200 बहुत अच्छे फेस वॉशेज आ जाते हैं, मैं यूज़ भी करती हूँ तो वो भी ऐसे ही काम करते हैं। तो फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहते हो कुछ नया और नेचुरल चीज़ ट्राई करना चाहते हो तो बिल्कुल आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।